अलीगढ़ से लोकसभा सांसद सतीश कुमार गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीसी को लेटर लिखा है और सवाल पूछते हुए उसका जवाब मांगा है। उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी क्यों नहीं दिया जा रहा है एसटी एससी व पिछड़ों को आरक्षण। आखिर किन वजह से एसटी एससी व पिछड़ों को एमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इन्हीं सवालों का सांसद सतीश गौतम ने मांगा है जवाब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने से संबंधित सवाल पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक के स्वरूप का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। एमयू एक्ट के अनुरूप एएमयू में दो प्रकार का आरक्षण दिया जाता है, एक इंटरनल व दूसरा एक्सटर्नल। जिसने एएमयू से 12वीं क्लास पास आउट की है वह इंटरनल कोटे में आता है। जिसने हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के स्टूडेंट आते हैं, ये सभी राजनीतिक मामले के सवाल राजनीतिक मामले के लोग ही देंगे। लेटर का सवाल है तो यूनिवर्सिटी को तो अभी मिला नहीं, लेकिन जहाँ तक आरक्षण की बात हो रही है, बहुत से नेतागण और बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें की, तो यूनिवर्सिटी को इस सिलसिले में दो तीन बातें समझने की हैं जो आप लोगों को रिपोर्टर्स को भी और आम जनता को समझने चाहिए। पहली बात तो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। 50% सीटें यहाँ रिजर्व हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 12th का इम्तिहान यहाँ से पास किया, उनको हम लोग जिन लोगों ने 12th का इम्तिहान यहाँ से पास किया उनको हम लोग इंटरनल कहते हैं, और 50% सीटें उनके लिए हैं जो एक्सटर्नल हैं। तो वो उसमें कोई धर्म या जाति का कोई आधार नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो इंटरनल है वो इंटरनल कोटे से उसका दाखिला होता, और जिसने 12th यहाँ से पास नहीं किया, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, उसको एक्सटर्नल कोटे से दाखिला दिया जाता। पहली बात तो ये समझने की है। और दूसरी बात, जहाँ तक यूनिवर्सिटी के वो एडमिशन पॉलिसी का सवाल है कि एडमिशन कैसे होते हैं, क्या है, ये पूरा मामला यूनिवर्सिटी का 2006 से ये सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी याचिका जब स्वीकार की और ये कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं करेगा तब तक आपकी जो एडमिशन पॉलिसी, जो पुरानी एडमिशन पॉलिसी जिसको हमने बताया था रिजर्वेशन वाली पॉलिसी एक्सटर्नल और इंटरनल की, वो कायम रहेगी, वो ये यथावत रहेगी। तो इस पूरे मामले में ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, तो यूनिवर्सिटी को इस सिलसिले में कोई कमेंट नहीं करना। ना यूनिवर्सिटी किसी को कोई रिजर्वेशन देती है, ना वो दे सकती, जो हमारी पुरानी पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उसी को हम लोग जारी रखे हैं। ये सांसद जी, आज जानकारी में आया है कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी को कोई लेटर जारी किया है एएमयू में रिजर्वेशन को लेकर। देखिए, मैंने ये कहा है एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक एएमयू को आरक्षण देना चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश हो उसका पालन करना चाहिए, हम भी पालन करेंगे और एएमयू को भी पालन करना चाहिए, लेकिन तब तक मेरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ने से वंचित नहीं रहें, इसलिए मैंने ये मांग रखी। अलीगढ़ में जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने भी अभी हाल फिलहाल में बयान दिया है रिजर्वेशन को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर? देखिए, गंभीर इसलिए है एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो फीस के बिना पढ़ नहीं पाते, उसलिए केंद्र शासित ये हमारी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में एएमयू, उसमें बहुत कम फीस पर बच्चे अपने ज्ञान प्राप्त करते, शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसीलिए यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया। उसी यूनिवर्सिटी में एससी और ओबीसी के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, ये मांग महाराज जी ने जो रखी है मुख्यमंत्री साहब ने, बहुत मैं उनकी बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी मांग है, और मेरी भी यही मांग है कि कम से कम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एससी और ओबीसी के बच्चे पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद सांसद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीसी को एमयू के एससी एसटी व ओबीसी के आरक्षण के संबंध में लिखे गए लेटर पर सांसद ने कहा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में बच्चे पढ़ने से वंचित ना रह जाएं, इसलिए मैंने ये लेटर एएमयू बीसी को लिखा है। एएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां काफ़ी कम पैसे में बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए मैंने ये जवाब की मांग की है। यूनिवर्सिटी में एससी एसटी व ओबीसी वर्ग के बच्चों को आरक्षण दिया जाए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है। ब्यूरो न्यूज़।